प्रधानमंत्री जी, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जी और बड़े सीनियर लीडर्स अन्य सबकी मेहनत का और भी ठीक ढंग से अभियान चले, पार्टी ठीक ढंग से चले, उसका हम लोग करके दिखाएंगे इस प्रदेश के अंदर। हमारे विधायक फिर से जीत करके लड़ना है, ताकि मोदी जी और अमित शाह जी बोलते हैं 20-25 साल लगातार होना चाहिए, तब देश चलता है, तब प्रदेश चलता है। उसने बोला भी अमित शाह जी ने कि जब हम बोलते थे कि वो कहते हैं हमारे प्रदेश का नाम लेके भी बोलते थे, वहां से आए हैं, विषयों के ऊपर बात कर रहे थे, उन विषयों को लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। बाकी कोई बाइट वगैरह तो नहीं लेनी, तो आप सारी इसका ना ठीक है जी। धन्यवाद पत्रकार साथियों, सारी गलती हो गया जी। हाँ जी सर, ये पार्टियां वैसे तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के हार से हताशा निराशा में है, और वैसे भी इन पार्टियों की विचारधारा देश हित में नहीं। एक देश एक चुनाव ये राष्ट्र हित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसके कारण देश में जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं उसमें बचत होगी, समय की जो बर्बादी होती है उसमें बचत होगी, और देश प्रदेश सब में विकास पड़ेगा। 5 साल में एक ही बार देश के प्रदेशों की सभी विधानसभाओं के चुनाव हों, उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कितना समय बचेगा और कितना पैसा बचेगा। अन्यथा हर तीसरे महीने चुनाव आते हैं और महीने डेढ़ महीने का कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसके दौरान काम नहीं हो पाते। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही व्यापक सोच के साथ इस देश को सुधार करने के लिए, इस देश में जो ये फजूल खर्ची होती है उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान लिया है कि इस पर सभी दल एकजुट हों। परंतु दुख की बात है कि इतने प्रमुख विपक्षी दल वो बैठक में ही नहीं आए। हाँ ठीक है, बैठक में आए, उनको कोई दिक्कत है, उनको कोई इस विषय पर अपने विचार देने चाहिए, परंतु बैठक में ना आकर उन्होंने साबित किया है कि उनकी विचारधारा, उनकी सोच राष्ट्रहित में नहीं है, और वो लोकसभा की चुनाव की हार से अभी भी हताशा निराशा में है, उस हार से अभी उभर नहीं पाए। जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और पार्लियामेंट प्रभारियों, पालकों और अन्य जो संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता है, उनकी ये बैठक आज हो रही है, और कल इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, सभी विधायक और 2017 के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सभी शामिल होंगे। और इस बैठक में हम जहां हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं आगामी समय में जो पार्टी के कार्यक्रम होने हैं उनकी योजना बना रहे हैं, और मुख्यतः जो पार्टी का सदस्यता अभियान चलना है उसको लेकर विस्तृत योजना बनाएंगे। अभी जैसे बैठक में लोकसभा चुनाव की संबंध में समीक्षा की गई, अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, नेताओं का धन्यवाद किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिमाचल प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। हिमाचल प्रदेश को जितने वोट कुल पड़े हैं उसमें से 69% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त पार्टी को मिली, और चारों कैंडिडेट 4-4 लाख के लगभग मार्जिन से जीते। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, सभी नेताओं के प्रयास और जनता का साथ रहा है, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय ने सबका धन्यवाद किया है। फिर भी समीक्षा की जा रही है, कोई कमी रही है उसको भविष्य में सुधारने का हम प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन हर मंडल स्तर पर योग का एक कार्यक्रम हो, जो हमारे अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो स्वामी रामदेव जी की हैं या अपने रविशंकर जी की हैं या और भी जो संस्थाएं योग को लेकर काम करती हैं, उनको मिलकर हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम हो, उसकी विस्तृत योजना बनाई जा रही है। 23 जून को हमारी पार्टी के जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, उस दिन भी मंडल स्तर पर कार्यक्रम हो,
उसकी भी योजना आज की इस बैठक में बनेगी। और इसके अलावा हमारा सदस्यता अभियान चलना है, 6 जुलाई से उसकी शुरुआत होनी है, 11 अगस्त तक। उस सदस्यता अभियान के लिए हमारी पार्टी के जो महामंत्री राम सिंह जी हैं उनको प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज जी को उनका सहयोगी बनाया गया है। विस्तृत रूप से ये उसकी जानकारी देंगे कि किस तरह से हमने सदस्यता करनी है, कितना हमारा लक्ष्य है, और उस सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्यता होनी है, और सक्रिय सदस्यता के बाद हमारा संगठनात्मक चुनाव का दौर शुरू होगा, जो पहले बूथ पर, फिर बूथ के बाद मंडल पर, मंडल के बाद जिलों का, और जिलों के बाद प्रदेश का, और प्रदेशों के बाद राष्ट्रीय चुनाव होगा। वो अलग से कार्यक्रम बाद में आएगा। अभी सदस्य अभियान की विस्तृत रूपरेखा इस बैठक में होगी, जिसकी जानकारी राम सिंह जी आपको देंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है उनका धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हमारे नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे हिमाचल प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है। और साथ ही श्री अनुराग ठाकुर जो हमारे हमीरपुर से 4थी बार सांसद बनकर गए हैं, उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय शाह जी का धन्यवाद किया गया है। इन दोनों नेताओं को बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई।